मेरे अति प्रियो, क्या आनंद और खुशी के साथ रहते हैं? प्रभु में सदा आप आनंदित रहना है। प्रभु ने कहा, क्लेश उपद्रव में सदा आनंदित रहना है। धन्य है जो क्लेश को सहते हैं। आप सोचेंगे क्या मसीह जीवन में ऐसे ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो दुखों में रहेंगे उनको बल देता है। धन्य है जो क्लेश को सहते हैं, उनको शांति मिलेगा। कैसे मिलेगा कहते हैं ना, परमेश्वर अपने शांति और संतावना को उनको देता है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय के 4 वचन में, वह हमारे सब क्लेशों में यीशु शांति देता है। सारे क्लेशों में यीशु हमें शांति देता है। तसल्ली संतावना कैसे मिलता है मालूम है? अभी आपको पता चला है, प्रभु यीशु हमारे सारे क्लेशों में हमें शांति देता है। जब हमारे मन में क्लेश भर जाता है, यीशु शांति देने के लिए हमेशा वो हमारे साथ ही रहता है। जैसे एक बच्चे अगर वो बीमार हो जाने से उनकी माता जो है उनको तसल्ली देने के लिए हमेशा उनको गोदी में ही रखती है। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक जब उसकी माता हमेशा शांति तसल्ली देते हैं, वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर भी हमारे सारे दुखों में हमारा साथ वो खड़े होके हमारे लिए सारे परेशानियों में दुखों में यीशु हमें शांति देने के लिए हमारा साथ यीशु हमेशा रहता है। जब कभी मैं क्लेश में दुख में रहता हूँ तब परमेश्वर यीशु की उनकी सामर्थ्य की संतावना तसल्ली और शांति को मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मैं दुखों में कभी भी और परेशान नहीं होते हैं। क्या आपकी जीवन में प्रभु यीशु मसीह की और शांति और तसल्ली को अपने जीवन में अपनी आत्मा में कभी आप महसूस की है? हे प्रभु, मैं दुख में और परेशानी में रहता हूँ ऐसे कहने से परमेश्वर की उसकी शांति की हाथ आपको अपने सीने में लगाएगा। डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ, तो कभी भी घबराना नहीं, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता। मेरे जीवन में जब कभी भी मैं दुख में तकलीफ में रहा हूँ, ज़्यादा परमेश्वर की शांति और तसल्ली को मेरे जीवन में मैं महसूस किया। यही यीशु मसीह की सबसे बड़ा प्रेम है। उस प्रेम को आप अपने जीवन में महसूस करना है। परमेश्वर कहता है, क्या मेरे बेटे मेरी बेटी तुम बहुत व्याकुल में है ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर आज तसल्ली देने के लिए कहता है। क्या परमेश्वर से आज हम दुआ करेंगे? हे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं इस बेटा इस बेटी के दिल में बहुत परेशानी और दिल में दुख के साथ रहते हैं, इनके मन में तू शांति देना और तसल्ली देना है। परमेश्वर अपने सारे बोझों को तेरे ही पास ढेलने के लिए आ जाए, इसलिए अपने ईश्वरीय शांति को इनके दिल में देना है। आज मैं इस शांति को देने के लिए स्तुति के साथ मैं प्रभु आपका नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन।